तेलंगाना आर्म रेसलिंग एसोसिएशन जो आगियास ऑफ इंडिया आर्म रेसलिंग एसोसिएशन के तहत 44वां नेशनल आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप मुनक्किद करने वाले हैं गचीवाली इंडोर स्टेडियम हैदराबाद पर 31 मई से 5 जून 2022 के दरमियान, जिसमें 1000 से ज्यादा आर्म रेसलर्स शिरकत करेंगे 28 रियासतों से इंडिया मुल्क के चैंपियनशिप ऑफिशियल्स ने कहा। चैंपियनशिप के विनर को इंडिया टीम को रिप्रेजेंट करने का मौका दिया जाएगा। एशियन और वर्ल्ड आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में जो अक्टूबर के महीने में तुर्की में मुनक्किद किया जाएगा। साबित प्रेसिडेंट तेलंगाना आर्म रेसलिंग एसोसिएशन और प्रेसिडेंट इंडियन आर्म रेसलिंग फेडरेशन, ये हमारा 44th नेशनल आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप है जो कि हैदराबाद में 31 मई से लेकर 5 जून तक होने वाला है और जिसमें 28 स्टेट फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया पार्टिसिपेट करने वाले हैं, जो कि 1000 से बढ़ के आर्म रेसलर उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ये जो इंडियन आर्म रेसलिंग फेडरेशन है वो 1977 में फाउंड हुआ सो है, उसमें समझिए तकरीबन 28 स्टेट उसके अफिलिएटेड स्टेट्स है ये। अब हैदराबाद में पहले 1982 में और 1985 और 2006 में भी नेशनल आर्म रेसलिंग चैम्पियनशिप हो चुका है। अब उसके बाद समझिए 2020 में होने का था, पेंडेमिक के तरफ से भी 2022 में हो रहा। अभी हमारे पूरे इंतजाम जो गचीबोली इंडोर स्टेडियम में है वहाँ पर होने वाला है। वहाँ पर तो इसमें कोई एज लिमिट में है या कोई वेट वाइज के हिसाब से रेसलिंग? इसमें एज वाइज भी है और जूनियर होता अंडर 18 जूनियर होता और यूथ होता अंडर 21 ईयर्स एज। 21 साल के अंदर रहा तो यूथ है, 18 साल के अंदर रहा तो जूनियर है और उसके ऊपर पूरे सीनियर आते। अगर आप 40 साल के ऊपर भी आते तो मास्टर्स कैटेगरी रहते। अब जो भी हमारे रूल है हम लोग वर्ल्ड आर्म रेसलिंग फेडरेशन के हिसाब से हम लोग रूल फॉलो करते हैं। हम लोग इसमें जो है ये पार्टिसिपेंट जितने भी करेंगे कोई आके आपसे बुक करने का या कोई ऐसी जैसे आप जो नहीं, ये पूरा इंतजाम हमारा तेलंगाना आर्म रेसलिंग एसोसिएशन करना पड़ता है। उनके जो भी 1000 आर्म रेसलर आ रहे हैं उनके रहने का, खाने का, उनके ट्रांसपोर्ट का, जब हैदराबाद आए और वापस गए तक वो हमारी जिम्मेदारी रहती है। उनको ले जाना, लाना, रखना, खाना पीना पूरा तेलंगाना आर्म रेसलिंग एसोसिएशन की जिम्मेदारी है। समझो सिर्फ इंडियन आर्म रेसलिंग फेडरेशन की रहनुमाई में हम लोग करते हैं। फरोख रूज वाइस प्रेसिडेंट तेलंगाना आर्म रेसलिंग एसोसिएशन हूँ। जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट हाशिम रजा जाबेद साहब ने फरमाया कि जो टूर्नामेंट स्टार्ट हो रहा 31st ऑफ मई से लेके 5 जून तक हैदराबाद में होने वाला है, इसका जो है सिलेक्शन हर स्टेट अपने अपने स्टेट में इंटर डिस्ट्रिक्ट कॉम्पिटिशन करवाते। वो इंटर डिस्ट्रिक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर जो गोल्ड और सिल्वर मेडलिस्ट होते वो नेशनल में पार्टिसिपेट करने के लिए सेलेक्ट होते। तो अभी जो हैदराबाद में जो 1000 प्लेयर आ रहे हैं वो सब अपने अपने कैटेगरी में अपने अपने स्टेट के चैंपियन हैं, गोल्ड मेडलिस्ट और सिल्वर मेडलिस्ट है। इसके अंदर लड़कियां और स्पेशली डिसेबल्ड लोग, बच्चों का भी कॉम्पिटिशन है। इसके अंदर लड़कियों के भी पूरे कैटेगरीज है और स्पेशली डिसेबल्ड कैटेगरी भी है। तेलंगाना आर्म रेसलिंग एसोसिएशन जो है इनकी स्टेशन हैदराबाद का स्टेशन और एयरपोर्ट से लेके हैदराबाद के स्टेशन और एयरपोर्ट तक का पूरी उनके खर्चे की जिम्मेदारी उठाई है और उनका रहना और उनका खाना हमने जो है यूथ हॉस्टल बुक किया है गचीबोली में। यूथ हॉस्टल में उनको ठहराया जाएगा, ऑफिशियल्स के लिए अलग होटल बुक किया है, 3 टाइम का खाना भी जो है एसोसिएशन ऑर्गेनाइज कर रहा। मैं जो है ये एक अपॉर्चुनिटी लेता हूँ हमारे जो स्पॉन्सरर्स है उनको भी शुक्रिया करने के लिए। आरआर ग्रुप के चेयरमैन साहब हमीद भाई हमको इसके अंदर काफ़ी सपोर्ट किए। महावीर मोटर्स जो मर्सिडीज़ बेंज और स्कोडा के डीलर्स है उनके तरफ से भी हमको स्पॉन्सरशिप मिला है। राधा TMT जो स्टील का बहुत बड़ा इंडस्ट्री है उनके तरफ से हमको स्पॉन्सरशिप मिला। लोहिया कंपनी जो गोल्ड ड्रॉप ऑयल है वो भी हमारे एक स्पॉन्सरर्स है। ये लोग के सपोर्ट के बगैर और कई और छोटे स्पॉन्सरर्स भी है, इनके सपोर्ट के बगैर ये टूर्नामेंट करना मुमकिन नहीं होता था। तो हम जो है गुजारिश कर रहे हैं हैदराबाद के आवाम से कि ये बहुत अच्छा और बड़ा इवेंट है,
आके जो है विटनेस कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। एंट्री फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आके जो है देख सकते हैं और तेलंगाना के प्लेयर्स को भी जो है एनकरेज कर सकते हैं। ये टोटल 4 दिन का टूर्नामेंट है, इसके अंदर जो है 2 दिन वेइंग का होता है, इसलिए कि 8,000 लोग हैं उनकी वेइंग होती है, लड़कियों की लड़कों की सबकी वेइंग की खुद 2 दिन लग जाते, तो 2 दिन वेइंग और रजिस्ट्रेशन का है। टूर्नामेंट स्टार्ट होगा 2 तारीख के दिन सुबह में 10 बजे और ख़त्म होगा 5 तारीख के शाम में 7 बजे। नहीं नहीं, सुबह में 10 बजे शुरू होगा और शाम में 6:30-7 बजे ख़त्म हो जाएगा। हमारा तेलंगाना में 44th नेशनल आर्मी चैंपियनशिप होने जा रहा है, मैं 31st May to 5th June, और इसकी हमारा लास्ट जो नेशनल्स हुआ था हमारे यहाँ हैदराबाद में 2006 में हुआ था। अभी हमको अपॉर्चुनिटी मिली है कि और बड़ा इवेंट जब भी हम लोग कराए थे सबसे बेस्ट इंडिया का इवेंट हैदराबाद में हुआ था 2006। अभी हम लोग 2022 में उससे भी बहुत अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें हमारे आशीम भाई प्रेसिडेंट ऑल इंडिया के भी है, तेलंगाना के भी प्रेसिडेंट है, और सबसे बड़ा हमारे दलील भाई का है, पूरा एकोमोडेशन का रहने का दलील भाई स्पॉन्सर कर रहे हैं। आप ग्रैंड होटल और महफिल होटल के ओनर है, पूरा हमको उन्होंने स्पॉन्सर कर रहे खाने का, बच्चों का, वहाँ पे रहने का, और जितने स्पॉन्सर जो लेके आए मर्सिडीज के वो दलील भाई लेके आए। इसमें एक्चुअली जो है पूरे ऑल ओवर इंडिया से इसमें जूनियर गर्ल्स आते हैं, सीनियर गर्ल्स है, वुमेंस है, और आपके मेंस है, सीनियर मेंस है, मास्टर्स है, ग्रैंड मास्टर्स होता है इसके अंदर, और डिसेबल्स में भी जो पारा में जितने आते रूल्स वो पूरे इसमें फॉलो होते हैं। टोटल ऑलमोस्ट हमारे पास 956 बच्चे कन्फर्म हो चुके जो रजिस्टर्ड हुए, जो आने के लिए तैयार है। उन सबको हम लोग पिकअप एंड ड्रॉप पूरे स्टेशन से, एयरपोर्ट से बहुत अच्छा करे, हम लोग बसेस रखती है। अगर आप लोग जितने भी हैदराबाद के भी लोग देखना चाह रहे हैं गच्चीबोली इंडोर स्टेडियम में आए, तो पता चलता है कितना हम लोग मेहनत करके आशिम भाई के अंडर में पूरा कोशिश करके हम लोग करा रहे हैं। तो इंशाल्लाह सबसे बेस्ट और बेस्ट हमारा कोशिश है कि ये टूर्नामेंट यहाँ पे यादगार रहे जैसा करने की कोशिश है हमारा। इसमें जो लोग विन होते हैं ना, इसके अंदर एशिया और वर्ल्ड में तुर्की बजाने के लिए सेलेक्ट होते हैं। इसके अंदर तुर्की में 7 सितंबर में हमारा वर्ल्ड है, जो बच्चे यहाँ पे 1st सेकंड आते हैं वो वर्ल्ड खेलने के लिए तुर्की के लिए सिलेक्शन है, और ऑलरेडी हमारा एशिया इसमें उज्बेकिस्तान में हो चुका है, फिर नेक्स्ट ईयर के एशिया के भी बच्चे अभी सेलेक्ट हो जाते हैं। हेलो, आई रिप्रेजेंट तेलंगाना आर्म रेसलिंग एसोसिएशन, एंड ऑन बिहाफ ऑफ ऑल लेडीज आई टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी, एंड इट्स अ वेरी ब्राइट इवेंट विच इज़ हैपनिंग इन हैदराबाद, एंड बींग अ पार्ट ऑफ दिस एसोसिएशन इज़ बींग अ मेमोरेबल एंड अ लर्निंग एक्सपीरियंस, एंड एंटायर एसोसिएशन इज़ बीन वर्किंग डे एंड नाइट, and all the participants and players have been working hard for this moment. From past 2 years, this is a most awaited event, because from 2 years all the sports players have been waiting for this, and they have whoever wins in these competition, the gold and silver, will be participating the world, representing India to world arm wrestling. And it's a very bright opportunity for all the women who are coming, and there are many people who are coming, even mother and child, family members have been participating here, and I'm very happy to be a part of this association.